टू जब यूज करते हैं जरा सब लोग देखते हैं स्पेशली अब्दुल जी मनोज में नहीं है क्या मैं उनको दिखना चाहिए ना मैंने भी काम किया है मुझे मेकअप नहीं करने दिया बोला बेटा तू ऐसे ही ठीक लग रहा है मेकअप कर लेगा गोरा लगेगा दांत नहीं दिखेंगे क्लोज वाले में काम करेगा कोई बात नहीं अभी देखिए एक कार्यक्रम आया क्लोजअप क्लोजअप और हमारा क्लोजअप और सभी नेताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया ये कार्यक्रम एंकर बोल का है नमस्कार स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे पहले दांतों के कार्यक्रम में क्लोजअप क्लोजअप हमारा क्लोजअप हम सभी के बीच में बिहार से लालू प्रसाद यादव जी हैं आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान का नेता हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन क्लोजअप से कितना जुड़ना चाहता है लालू जी आई रहा अब पढ़ना अरे तुम आज क्लोजअप का प्रचार कर रहा है हम बहुत दिन से क्लोजअप के साथ हैं वो कैसे आप रावणी से इतना क्लोज में रहता हूँ हमेशा सब बोलते हैं क्लोजअप और तालियां तो बजनी चाहिए सारे देखिए प्लीज अगर आप सब एक टीम बनने के काबिल हैं प्लीज बनाइए इंडिया में इसमें कॉमेडी का दौर चल रहा है अच्छा सर आप इतने ज्यादा क्लोजअप को यूज करते हैं इतना ज्यादा क्लोजअप को सपोर्ट अरे अब पढ़ा अरे हम क्लोजअप में इतना पास में नहीं रहता तो क्या हाई ग्यारह लड़का बादल पर चल गया हम रावणी के क्लोजअप में होने का मैं आदेश सब आया है एक बार ताली क्या बात है आप एंजॉय देखिए हाँ अभी पत्रकार चले गए गोरखपुर अगर गणेशन भैया से पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखिए हिंदुस्तान में हर छोटा बड़ा आदमी क्लोजअप यूज करता है लेकिन क्या एक संत की पसंद की क्लोजअप है आइए पूछते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अब योगी जी मेरे साथियों मेरे दोस्तों मैंने आप सभी से कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और शिक्षा पर ध्यान दिया है और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि पहले मैं दांतों करता था लेकिन दांतों की समस्या की वजह से किसी ने बताया कि मुझे क्लोजअप करना चाहिए मैं बताता हूं कि मेरा दांत बिल्कुल सुरक्षित था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से पत्रकार ने पूछा ये देखिए हंसता खेलता चेहरा जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है इनकी मुस्कुराहट इनके दांतों का राज क्या है अखिलेश जी आज के सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों ये मनोज जी हैं इन्होंने बहुत बड़ा बनारस में प्रोग्राम कराया है क्लोजअप का आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिसके घर में बच्चे हो और मुझे भी लोग बच्चा ही कहते हैं अगर हम क्लोजअप ना यूज करें तो ये क्लोजअप की तौहीन होगी मेरे बच्चे क्लोजअप यूज भी करते हैं हमेशा घूमते रहते हैं अच्छा देखिए बगल में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं इनसे पूछते हैं कि सर आप क्लोजअप यूज करते हैं नहीं करते हैं मुलायम सिंह यादव जी हमारा दांत तो बहुत पहले टूट चुका है और सब दांत टूट चुका है लेकिन क्लोजअप सब पहले किया था जब अखिलेश हमारे गोदी में आ गया हम क्लोजअप यूज करके दांत के हर में सरदार बनाया जो दस बार ताली बजा ताली आप हंस रहे हैं इट्स प्लेजर टू बी मैं पे आप मेरे एक्ट पे हंस रहे हैं बहुत खुशी है कि आपको महसूस कर रहा हूं इसके बाद अभी पत्रकार आगे बढ़ गए देखिए हम सभी के बीच में हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं इनसे पूछते हैं कि सर रक्षा मंत्रालय में आपको काम करते हो कैसा लग रहा है आप देश की रक्षा कर रहे हैं क्लोजअप दांतों की रक्षा कर रहा है कैसा लग रहा है आप जिस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं जिस तरह से आपको मैंने रक्षा मंत्री बना दिया है आपको क्लोजअप का इस्तेमाल करके अपने दांतों को भी रक्षा करनी चाहिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से कहूंगा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाल की रक्षा कर सके तो मैं खुदा को डालना चाहूंगा इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे पूछा गया कि सर आप किसी शब्द को हमेशा खींचते क्यों हैं क्या क्लोजअप से इसका कोई कनेक्शन है मेरा भाई बहनों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं सर हम लोग समझ गए आपके शासन क्लोजअप पहन रहे अगर लगता है कि आप ऐसा विरोध करते हैं हिंदुस्तान के अध्यक्ष कहा जाओ जाती
और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने सब सारे लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप क्वेश्चन मत बताइए, पहले बताइए नाम ओरिजिनल है कि नकली, उसके बाद बताइएगा। वो क्या बोलते हैं, यू फ्रेंड्स ऑफ माय इंडिया पीपल सेज दैट आई एम एक्सीलेंट मेरे दांत असली हो या नकली हो मैं क्लोज अप को नाश्ते में फ्रिट के साथ खाता हूँ। माननीय सम्माननीय मायावती जी आ गए। अच्छा आप लोग हैं, अब मनोज भाई कहाँ गए? अगली मनोज जी क्लोज अप वाले, इतना मैं क्लोज अप कर दे रहा हूँ कि बाहर गए जाऊंगा तो बुला के चार छोटे बोल के ऊपर लुड़े देंगे। पेमेंट तो पेमेंट नहीं बस क्लोज अप सर भी हंस रहे हैं क्या कुछ है क्लोजअप के बीच में पतंजलि वाले में घुसा है वो ऐसे है। अच्छा मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में क्लोजअप नहीं होता, अगर दांत गंदा होने पर पुलिस पेनाल्टी देती फाइन मारती तो लोग कैसे हंसते, खूब अच्छे खूब खराब दांत वाले अच्छी सी जोक पर पीछे से उन्होंने बुलाया कि सर इतना सस्ता हो गया क्लोजर, आप देख सकते हो गरीब से गरीब परिवार का आदमी यूज कर रहा है, तुम नहीं यूज कर सकते हो, इससे थोड़ा सा इकोनॉमिक क्लास वाला आदमी वो थोड़ा सा मुस्कुराएगा, दांत खुलेंगे क्योंकि क्लोजर की वजह से साफ है भाई क्लोजर। पुलिस वाले अगर टहल रहे हैं दांत देखा दांत देखा साहब हमारे भाई चक्कर था अच्छा जिनके दांत बिल्कुल साफ जो हमेशा क्लोजर यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा जैसे चालान आपके सारे कागज कंप्लीट हो तो आप पुलिस के बगल से गुजर जाते हैं देखते हैं कम से कम चेक तो करें, उसी तरह से चालान वाली पुलिस के बगल से लोग गुजरे के दांत दिखाते हैं। पुलिस वाला बोला ऐसा बेटा तू मेरे गली में ही रहता तुझे मालूम नहीं होगा मैंने गजोदर की दुकान से जो क्लोजर खरीदते हुए देख लिया चंडीगढ़ जैसे अभी आप सभी के बीच में रख रहा था मायावती जी को, उनसे पूछा गया कि मैडम क्या कनेक्शन है क्लोजर का और आपका, मायावती जी पर्चा सामने आ गया, हम लोग कॉमेडियन है बुरा नहीं मानेंगे, पर्चा गया मंच के सामने बैठे रहे माननीय सम्माननीय बहुजन और गैर बहुजन भाई मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत दिनों से इस ब्रांड पर भरोसा किया है। कौन सा? यही है सिबा का। मैं क्लोजर के बारे में बोल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं लिखा हुआ बोलती हूँ वही बोल दिया। क्या बात है क्लोजर का नहीं होना चाहिए आप सभी की तरफ से। आप किस सेलिब्रिटी को कहेंगे? जॉनी लीवर साहब आ गए। जॉनी लीवर जी आ गए क्लोजर आइए।